Good morning, students. How are you? Fine. I hope you are also fine. Very good. And today's which class? Today's math class. And math is very, very, very interesting subject. Very good. And which date is going on? Lunch. बेटा बोलिए विच डेट इज गोइंग ऑन अन्या यस टुडे 22 मई 2021 एंड विच डे इज गोइंग ऑन बेटा विच डे इज गोइंग ऑन वेरी गुड टुडे सैटरडे एंड टुडेज मैथ क्लास एंड प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था ग्रेटर देन ओके क्या पढ़ा था ग्रेटर देन यस एंड व्हाट इज ग्रेटर देन हमने क्या समझा क्या सीखा क्या सो व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फर्स्टली हम क्या करेंगे रिमाइंड करेंगे ओके सो ग्रेटर देन का मतलब ये था कोई लार्ज ग्रुप है और ठीक और कोई स्मॉलर ग्रुप है जब हमें ग्रेटर देन में चीजों का आंसर देना होगा जैसे कि लाइक दिस ओके एंड दिस ग्रुप ओनली थ्री एप्पल 1 2 3 ओके बच्चों एंड दिस ग्रुप 1 2 3 4 एप्पल सो स्टूडेंट दिस ग्रुप हैज 3 एप्पल एंड दिस ग्रुप हैज 4 एप्पल और हम क्या पढ़ रहे हैं पढ़ेंगे ना तो उसमें हम क्या लिखते हैं सो 4 इज ग्रेटर देन 3 हम ऐसे करेंगे ग्रेटर देन का साइन मैम ने क्या बोला था जिधर खाना ज्यादा होगा मछली मुंह उधर खोलती है ना और इसे बोलेंगे कैसे 4 इज ग्रेटर देन 3 और जिधर ग्रेटर ग्रेटर मीन बड़ा लार्ज तो ये लार्ज ग्रुप है ना तो इधर मुंह हमारा क्या होगा ओपन होगा ठीक है और 4 इज ग्रेटर देन 3 इसे कैसे लिखेंगे 4 वेरी गुड ये है आपका लेस देन और चैप्टर पेज नंबर 10 ओके सो लेस देन में क्या है अब जैसे हमने अभी ग्रेटर देन में पढ़ा ग्रेटर देन में चीजें जो क्या जो थिंग्स है सेम है ठीक है बस इसमें मैं आंसर
इसमें बोलते थे फोर इज ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, इसमें बोलेंगे थ्री इज लेस देन फोर. ओके, हम इस पे लेस, इस पे हम स्मॉल ग्रुप पे फोकस करेंगे और ग्रेटर देन में हमने लार्ज पे फोकस किया है. ठीक, इस लार्ज ग्रुप में हम सबसे पहले लार्ज नंबर को लेते हैं. ठीक, उसके बाद जैसे फोर इज ग्रेटर देन थ्री, ओके, और लेस देन में थ्री इज ग्रेटर देन फोर. ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, पहले हम बोर्ड वर्क करते हैं, ठीक है, बोर्ड पे समझते हैं. ओके, तो स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट लेस देन. ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लेस देन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेस देन कैसे पढ़ेंगे, तो फर्स्टली कुछ पिक्चर मैम ड्रॉ करेंगी ना, आप भी ड्रॉ करिएगा लाइक दिस. व्हाट इज दिस, दिस इज ट्री एंड नाउ दिस आर ट्री. यस, ओके स्टूडेंट, हम लेस देन पढ़ रहे हैं, तो लेस देन पढ़ते हैं तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम जो ये दिस साइड ट्री को काउंट करेंगे एंड दिस साइड ट्री को फर्स्टली काउंट करेंगे. ओके, वन एंड टू थ्री, हियर टू ट्री एंड इन दिस साइड थ्री ट्री. ओके स्टूडेंट, सो लेस देन पढ़ रहे हैं तो लेस, मुंह तो हमेशा उधर ही ओपन होगा जिधर खाना ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन लेस देन पढ़ रहे हैं तो हमें साइन हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्री इधर मोर ट्री है. ओके, और इधर लेस ट्री है ना, कम ट्री है, तो मुंह इधर बंद रहेगा. देखिए आप ये बिल्कुल ग्रेटर देन की ही तरह है, जिधर मोर होगा मुंह उधर ही खुलेगा, बट आंसर हमें बोलने में फोकस करना, बोल क्या रहे हैं. जैसे उसमें हम क्या बोल रहे थे, ग्रेटर देन में थ्री इज ग्रेटर देन टू. ओके, अब हम क्या बोलेंगे, टू इज लेस देन थ्री. ओके, इसका मतलब क्या, लेस देन थ्री मतलब टू छोटा है थ्री से, और ग्रेटर देन में हमने क्या पढ़ा था, थ्री बड़ा है टू से. ओके, समझ में आया, अब हम चलते हैं थोड़ा बुक से स्टडी करते हैं. ओके, लेस देन पेज नंबर 10. ओके, अ स्मॉलर ग्रुप इज लेस देन अ बिगर ग्रुप. लेस देन में क्या होता है, जो एक छोटा ग्रुप होता है वो बड़े ग्रुप से नहीं, हाँ यस, बड़ा ग्रुप जो होता है वो एक छोटे ग्रुप से बड़ा होता है, ठीक है, लाइक जैसे इन दिस ग्रुप हाउ मेनी एप्पल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी एप्पल, 9 एप्पल, एंड इन दिस ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसमें क्या है, जो आपका रेड एप्पल वाला ग्रुप है वो उसमें बहुत कम एप्पल हैं, ग्रीन एप्पल के अकॉर्डिंग. ओके, सो अ स्मॉलर ग्रुप इज लेस देन, जो एक छोटा ग्रुप होता है, अ बिगर ग्रुप, बड़े ग्रुप से क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है. द नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इज लेस देन, जो रेड एप्पल्स हैं जो उनकी जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो ग्रीन एप्पल से क्या है, कम है. सो 9 इज लेस देन 12. ओके, तो अभी हम लास्ट इसमें क्या, ग्रेटर देन में क्या पढ़े थे, 15 इज ग्रेटर देन 10, बड़े ग्रुप को पहले लिया था, ठीक है ना, 15 इज ग्रेटर देन 10, और इन दिस ग्रुप इसमें लेस देन में क्या पढ़ रहे हैं, 9 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, सॉरी 9 इज लेस देन 12. ओके, इसमें अब हम लेस वाले नंबर्स को पहले लिखेंगे और ग्रेटर देन में बड़े वाले नंबर्स को पहले लिखेंगे, और जो हमारा साइन होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है. काउंट राइट एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ
लेस देन. सो दिस इज व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस, दीज आर लॉलीपॉप. सो फर्स्टली काउंट, आफ्टर दैट डिसाइड विच ग्रुप इज स्मॉलर एंड विच इज लार्जेस्ट. ओके, 1, 2, 3, 3 लॉलीपॉप. And in this group, 1, 2, 3, 4. So 3 is greater, 3 is less than 4. And what is this? What are these? These are watermelon. आपको अच्छा लगता है? हाँ, अब आप बताइएगा आपको अच्छा लगता है कि नहीं. लेकिन हमें तो बहुत पसंद है. फर्स्टली इसके स्लाइसेस को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 4 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाउ मैनी? यस, 7. सो हाउ मैनी वाटरमेलन पीसेस? 7. सो 4 इज लेस देन 7. ओके, 4 इज लेस देन 7. अब हम करते हैं थोड़ी कॉपी में एक्सरसाइज. ओ सो दीज आर मैनी थिंग्स. या दिस इज एप्पल. सो फर्स्टली दिस डेट इज गोइंग ऑन 22 May 2021. लेस देन, और लेस देन का साइन क्या होता है? लाइक दिस. ओके, सो व्हाट आर दीज? दीज आर टोमेटो. नो, दीज आर दे बेटा बोलिए, दीज आर एप्पल. वेरी गुड. सो फर्स्टली, और एप्पल किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है ना. और आपको रेड कलर पसंद है? डू यू लाइक रेड कलर? यस, मुझे तो बहुत पसंद है रेड कलर. सो फर्स्टली काउंट, 1, 2, 3, 4. हाउ मैनी एप्पल? दिस ग्रुप हैज 4 एप्पल्स. एंड इन दिस ग्रुप 1, 2, 3. सो दिस ग्रुप हैज 3 एप्पल. ओके, साइन तो हमारा हमेशा वैसे ही लगेगा ना, कि बड़ा कौन सा है, कौन सा ग्रुप बड़ा है? ये ग्रुप बड़ा है. ओके, सो बट इसको हम बोलेंगे कैसे? 3 इज लेस देन 4. 3 इज लेस देन 4 apples. Okay. And what are these? ये मैम ने क्या बनाया है? आपको समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? गेस करिए. अन्य बेटा गेस करिए. कृष्णा, यस, मैम ने बनाया है ये बटन. सो Which color is this button? Sky blue and yellow. So firstly count, 1, 2, 3, 4, 5. And this group has 5 button. So 3 is less than 5. 3 जो है वो 5 से छोटा है. So इसे हम कैसे राइट करेंगे? 3 is less
देन फाइव ओके ओके एंड नेक्स्ट व्हाट आर दीज व्हाट आर दीज यम्मी यम्मी आइसक्रीम सो टेस्टी आपको आइसक्रीम कैसी लगती है कैसी लगती है बहुत अच्छी लगती है ना हमें भी बहुत अच्छी लगती है बहुत 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 अच्छी सो फर्स्टली काउंट वी विल काउंट ओके वन टू थ्री फोर आइसक्रीम दिस ग्रुप हैज फोर आइसक्रीम एंड दिस ग्रुप हैज फर्स्टली वी विल काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन आइसक्रीम दिस ग्रुप हैज सेवन आइसक्रीम सो इसे हम साइन कैसे लगेगा लाइक दिस इसे कैसे हम लिखेंगे फोर इज लेस देन सेवन ओके एंड लास्ट वन व्हाट आर दीज व्हाट आर दीज ये तो सबका फेवरेट है ना मैम का भी बहुत फेवरेट है सो इसका नाम क्या है बोलो 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 मैंगो और मैंगो किस कलर का होता है मैंगो येलो कलर का होता है या सो फर्स्टली वी विल काउंट वन टू थ्री फोर फाइव दिस ग्रुप हैज फाइव मैंगो एंड दिस ग्रुप है वन टू थ्री थ्री मैंगोज साइन ऐसे लगेगा ना अब इसे कैसे हम राइट करेंगे थ्री इज लेस देन फाइव थ्री जो है इन देखिए हम कंपेयर करने जो जो ग्रुप्स होते हैं उनमें कंपेयर करते हैं ठीक है वैसे तो थ्री आपका सेवन एट बहुत सारे नंबर से आपका छोटा होगा ना लेकिन नहीं हमें जिस ग्रुप से कंपेयर करना है हम उस ग्रुप के बस थिंग्स को नोटिस करते हैं ओके सो थ्री इज लेस देन फाइव तो बच्चों आपको समझ में आया स्टूडेंट ये हमने वर्क सीट किया ना वर्क किया कॉपी वर्क यस आपको समझ में आया नहीं आया लेस देन क्या होता है और ग्रेटर देन क्या होता है ठीक है तो आपको अच्छे से लर्न करना है ठीक है और मैं आपको व्हाट्सएप पे पढ़ के बताना भी है कि हमें भी तो पता चले आप पढ़ रहे हो कि आप नहीं पढ़ रहे हो ओके कृष्णा बेटा समझ में आ गया ना अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में सो बाय बाय